चलो ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे आएगा, एक पाई बॉन्ड टूट के इस तरह पैरों में दिया है, यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनेगी ऑटोमेटिक है। अगर इस तरह आएगा एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड टूट के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनेगी। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिखता है, ये इस एच प्लस को सपोर्ट करता है और ऑक्सीजन इन बिटवीन क्या होता है, ऑक्सीजन को मौका मिल जाता है एच प्लस को रिलीज करने का। तो ऑक्सीजन क्या करता है, जो लोन पे उसने हाइड्रोजन को दिया था यहाँ पे ना सपोर्ट करने के लिए, उसको फिर वो अपना यहाँ पे सपोर्ट करा था उसने, सपोर्ट करके उसके ऊपर चार्ज आ गया था पॉजिटिव। अब क्या करता है, वो उसी हाइड्रोजन को दोबारा फिर यहाँ पे रिलीज कर देता है, अपना जो लोन पेयर दिया था वो बैक कर लिया उसने बच्चे ऑक्सीजन ने। अब ये H प्लस है, जैसे ही बैक करेगा ये H प्लस है, क्योंकि अपना पेयर अगर वो खींच लेगा तो ये H प्लस बन जाएगा। अब इस H प्लस को कौन सपोर्ट करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ चुकी है, ये सपोर्ट देगा किसको, H प्लस को सपोर्ट देगा, यहाँ पे इसको सपोर्ट देगा ये H प्लस को, ये भी तो अनस्टेबल है ना, प्रोटोन है तो इसको सपोर्ट देगा ये नेगेटिव। अब क्या बनता है, H प्लस जाके जुड़ जाएगा इसके पास। अब क्या बनता है, अगर H प्लस जाके यहाँ पे जो थ्री, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हट चुका है, सिंगल बॉन्ड डालेंगे यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड डालेंगे यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे CH2, मुझे बताओ CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आएगा, नेगेटिव तो इसके पास चला गया CH2 के पास, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, दो बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जो है वो टूट के इसके पास चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली दूसरे साइड तो पॉजिटिव बनेगा ना, एक साइड यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बनेगी ना, मान लो ये CH2। अब ये पाई बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जो है वो दो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ बॉन्ड, बॉन्ड पूरा टूट गया और एक तरफ चला गया, तो जहां जिस तरफ गया है वहां पे डेंसिटी बनेगी ना इलेक्ट्रॉन की, और दूसरी तरफ डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो अब ये क्या करा था, इसने फिर हाइड्रोजन को पकड़ लिया था, तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, CH3 ले लिया मैंने, और सिंगल बॉन्ड के साथ फिर यहाँ पे कार्बो कैटायन बन चुका है, ठीक है। पहली बार ही थोड़ा सा डिटेल में समझ जाओ, उसके बाद लर्न कर लेना पूरा। अब बाकी ये बन गया कार्बो कैटायन, दैट मींस पहला स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बो कैटायन होता है। आपने क्या देखा कि इथीन का या एल्कीन का, एल्कीन से कार्बो कैटायन बन गया, पहले कार्बो कैटायन फॉर्मेशन फ्रॉम एल्कीन हो गया ये, ठीक है। साथ में ये वाटर अभी कहां जाएगा, इसे तो अपना पेयर खींच लिया है, हाइड्रोजन को दे दिया है, अब ये अपना वाटर मॉलिक्यूल पूरा बन जाएगा अपना दो लोन पेयर के साथ। नाउ इट इज अ फ्री मॉलिक्यूल, अपना एक पेयर पहले से था, फिर एक पेयर उसने खींच लिया, दो पेयर अपना जैसे कि तैसे बन गया, दो पेयर इसका भी आ चुके हैं और दो हाइड्रोजन इसके पास रह गए हैं, दिस इज द केस नाउ। पहला स्टेप है ये, समझ में आ गया पहला स्टेप, पहला स्टेप में मैंने क्या करा, सबसे पहले वाटर रिएक्शन दिखाता है H प्लस के साथ और हाइड्रोनियम आयन बनाता है, जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बनाता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है और अनस्टेबल हो जाता है, फिर ये क्या करता है, ये रिएक्शन दिखाता है एल्कीन के साथ यहाँ पे, और क्या करता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो क्या करता है अपना लोन पेयर को ले लेता है जो उसने डोनेट करा था पहले यहाँ पे, लेके H प्लस को रिलीज करता है और एल्कीन को सपोर्ट दे देता है, डोनेट कर देता है, तो ये यहाँ से एल्कीन जो है ये बॉन्ड के ब्रेक के साथ इस तरीके का एक कार्बो कैटायन फॉर्मेशन हो जाता है एल्कीन से, एल्कीन का बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ पे कार्बो कैटायन। साथ में H2O के पास अपना पेयर जैसा था वैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ चुका है, तो ये जो गेम चल रहा था ये वाटर मॉलिक्यूल का पूरा गेम चल रहा है यहाँ पे, और वाटर मॉलिक्यूल फाइनली निकल भी गया, साथ में सब कुछ कर लिया, ऐड करके डोनेट करके सब कुछ करके कार्बो कैटायन कन्वर्ट करके निकल गया बाहर। अब स्टेप टू में चलते हैं, स्टेप टू में क्या करता है, फिर से इसने पॉजिटिव चार्ज को देख लिया तो क्या करेगा, अभी इसको क्या कहा था मैंने कि ऑक्सीजन की एक टेंडेंसी होती है, उसके पास दो लोन पेयर होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अल्कोहल हो
गया कि पॉजिटिव चार्ज देखता है वो सपोर्ट करने लगता है, कहा था अभी थोड़ी देर पहले, इज इट? यस मैम, वाटर की एक टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन की टेंडेंसी होती है, उसके पास लोन पेयर होता है, तो कहीं पे भी अगर उसे पॉजिटिव चार्ज दिख गया तो पहले सपोर्ट करता है, वो अपना लोन पेयर को डोनेट करता है। अब क्या करेगा, इसको फिर से दिख गया है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इसको डोनेट करने लगेगा। अब मेरा जो है, आप थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखो, हाँ आप थोड़ा एक लिखते हो फिर थोड़ा गैप दे के लिखो, मिक्सचर नहीं बननी चाहिए। अब क्या है, वही वाटर मॉलिक्यूल फिर से कार्बोकैटायन को देख लिया है, मतलब ये फिर सपोर्ट करेगा इसको, लोन पेयर फिर से देगा ये अपना अपना लोन पेयर, इसकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर देने की, और बाद में फिर वो ले भी जाता है, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये जो है सी एच टू, ये तो बल्कि है, ये तो बल्कि सपोर्ट कर रहा है, तो वाटर मॉलिक्यूल पूरा इसके ऊपर आएगा। अभी वाटर मॉलिक्यूल सपोर्ट कर रहा है लोन पेयर के साथ इसको, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, थोड़ा सा ऊपर का रखता हूँ, आप थोड़ा ना स्पेस बना के चलो, हाँ यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर को इस कार्बन को दे दिया है यहाँ पे, तो दे दिया, यहाँ पे दो लोन पेयर था, अब इसके पास एक लोन पेयर बचे, दूसरा लोन पेयर को उसने क्या करा है, कार्बन को दे दिया यहाँ पे इस कार्बन को, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो उसे सपोर्ट करने के लिए इस तरीके से बन गया है, ठीक है। अब थोड़ा बताओ तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे कौन सा चार्ज चढ़ेगा? मैम प्लस चढ़ेगा, प्लस चढ़ेगा, क्योंकि जो कार्बन का प्लस है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर अभी, क्योंकि उसने उसको सपोर्ट कर दिया है, तब तक ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज चढ़ेगा। लोन पेयर एक रहेगा, तो के बदले एक लोन पेयर रहेगा, उसने डोनेट कर दिया है और उसके पास प्लस चार्ज आएगा, एंड अगेन प्लस चार्ज आते ही ये फिर अनस्टेबल होगा ना, ऑक्सीजन तो प्लस चार्ज को झेल नहीं पाएगा, तो प्लस चार्ज आते ही फिर से ये पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। अब थर्ड में क्या होता है, अब ये ट्राई करेगा ऑक्सीजन यहाँ पे जो है, ये ट्राई करेगा एक हाइड्रोजन को बाहर निकालने के लिए, अगर एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है तो सब पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। अगर एक ऑक्सीजन को ये बाहर निकाल देता है यहाँ पे, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को अपना अगर वो, अगर ये लोन पेयर को अपने आप लेके अगर निकाल देगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, अब इसको मैं पकड़ लेती हूँ पूरा, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं सी एच थ्री है, ठीक है, सी एच टू है, और इसके ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन है। मैम ये एग्जाम में पूरा मैकेनिज्म आएगा? नहीं, एक्चुअली पूरा मैकेनिज्म आता है, बट आपका तो ये अल्कोहल वाला जो है ये तो मेरे पास फर्स्ट टर्म में एमसीक्यूज आएगा ना? यस मैम, यस मैम। हाँ तो ये तो मुझे भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि बच्चे पूरे मैकेनिज्म लिख के आते हैं, टू मार्क्स थ्री मार्क्स का मैकेनिज्म पूरा आता है, पूरा आपको ये एरो दिखाना है वहाँ पे, प्रॉपर तीन स्टेप का मैकेनिज्म दिखाना पड़ेगा, तो आप लकी हो कि आपको ये मैकेनिज्म लिखने के लिए नहीं बोलेंगे। बट ध्यान रहे, अल्कोहल के बाद जो थर्ड चैप्टर है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो फाइनल टर्म में आ रहा है, और उसमें कोई, उसमें पूरे एमसीक्यूज नहीं, मोस्ट वाली 70% के आसपास रिटर्न हो सकता है, और 30% एमसीक्यूज दे सकते हैं आप, तो वहां पे मैकेनिज्म वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। और मैकेनिज्म को जानना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि किस तरीके का एरो जाता है, किस तरीके का डोनेशन चलता है, आपको ये तो मेन होता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया कि ये हमारा पूरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे उठा लिया है ये जो था, और यहाँ पे आपने क्या देखा था कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका, अनस्टेबल हो गया ऑक्सीजन। अब क्या करेगा, बिकॉज मैंने हाइड्रेशन करा है तो मैंने एक वाटर मॉलिक्यूल छोड़ लिया है, मेरे पास खूब सारे वाटर मॉलिक्यूल पड़े हैं, तो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को मुझे यहाँ पे लेना पड़ जाएगा, और एक वाटर मॉलिक्यूल, अभी तक एक वाटर मॉलिक्यूल का गेम चल रहा था, मैंने फिर क्या करा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे मैं ले आया। अच्छा,
जैसे ही इस वाटर मॉलिक्यूल को देखता है तो ये ऑक्सीजन जो अनस्टेबल है वो क्या करता है, अपना लोन पेयर को बैक कर लेता है, अपना लोन एक काम करते हैं, मैं इस मैकेनिज्म को यहाँ पे लिखवा देती हूँ। अगर कंजेस्टेड हो रहा है तो फिर मैं ये पूरा रब करके यहाँ पे बड़े बड़े मैकेनिज्म बड़े बड़े अच्छे से दिखवा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा अगर दिक्कत हो रही है। ठीक है, अब जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे देख लिया, माइक म्यूट, क्या होता है जो है अपना लोन पेयर को यहाँ पे बैक कर लेता है और हाइड्रोजन को रिलीज कर देता है। और रिलीज जैसे ही हाइड्रोजन को रिलीज करेगा पता है ये वाटर मॉलिक्यूल इसको सपोर्ट कर सकता है। तो इसका ये जो अनस्टेबल हो रहा था प्लस चार्ज के साथ ये भी सेटल हो गया। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की तो टेंडेंसी वैसे भी होती है तो ये एच प्लस को कैप्चर कर लेगा यहाँ से। अब यहाँ पे कौन सा पोर्शन बचेगा, अगर ये एच प्लस यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3CH2OH बचेगा, इज इट CH3CH2OH बचेगा क्योंकि दूसरा एच तो निकल गया ना इसके पास, तो क्या बचेगा फाइनली मुझे मिलेगा CH3CH2OH मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जाएगा H2O के पास और ये बनेगा H3O+ बनेगा, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ के H3O+ बनेगा। ठीक है, और साथ में ये जो है यहाँ पे ये काम करेंगे। अभी आप बस मैकेनिज्म समझ जाओ, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसे साफ दिखाई भी करता है और फिर बाद में उसे रिलीज भी करता है। प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए कि हाँ ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। आ गया मेरा अल्कोहल, चेक करो अल्कोहल बन गया, यहाँ पे मैं थी यहाँ पे दिस प्लस दिस मुझे ये मिल रहा था अल्कोहल, आ गया मेरा अल्कोहल, ये अल्कोहल आ गया, फिर यहाँ पे एच प्लस यहाँ पे चला गया। अब मेरे पास क्या है, ये भी अनस्टेबल है, बाकी यहाँ पे HSO4- तो बचा ही होगा ना, एच प्लस के बाद HSO4- बचा होगा, ये रिएक्शन दिखा के दोबारा से H2SO4 बना देगा, H2O को फिर रिलीज कर देगा लास्ट में। तो इट इज अ थ्री स्टेप मैकेनिज्म, बेसिकली हाइड्रेशन ऑफ एल्केन इज अ थ्री स्टेप मैकेनिज्म। सबसे पहला स्टेप में मेरा क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का प्रोटोनेशन होता है, ये रिएक्शन दिखाता है, दैट्स व्हाई मैंने एसिडिक मीडियम को लिया है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दिखाने के बाद इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन बना के अनस्टेबल हो जाता है और अनस्टेबल होने के बाद फिर इसको पकड़ लेता है, इसको पकड़ लेता है एल्कीन को, ये H3O+ जो है, और ये क्या करता है, जैसे ही एल्कीन पास आता है तो ये यहाँ पे पाई बॉन्ड का ब्रेकेज होता है, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करा के फिर वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से यहाँ पे तो ये फिर से इसको सपोर्ट करता है थर्ड सेकंड स्टेप में, फिर वाटर मॉलिक्यूल सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करके देखो यहाँ पे बिकॉज ये बल्की ग्रुप है तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पे रख दिया ऊपर। अब ये फिर से अनस्टेबल हो जाएगा सपोर्ट करके, अनस्टेबल होने के बाद फिर क्या होगा, फिर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल जब अटैक करता है तो ये एच प्लस को रिलीज करके टोटली एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। दिस इज द मैकेनिज्म फॉर हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये बहुत फेमस मैकेनिज्म है और ये हर साल बोर्ड के एग्जाम में आप समझ लो कम से कम अभी तक तो 8-10 बार आ चुका होगा ये मैकेनिज्म, आइदर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये बहुत फेम दो मैकेनिज्म में से आता ही आता है 100%, और बच्चे इस दोनों को 100% लर्न करके जाते हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन पढ़ा, क्योंकि मैं प्रिपरेशन पढ़ रही हूँ ना। अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो दूसरा वाला पढ़ेंगे क्या, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ोगे, उसका भी मैकेनिज्म सिमिलर सिस्टम वाला मैकेनिज्म होगा। क्लियर एवरीवन, ये स्टेप क्लियर है। तो अभी मैं आपको इमीडिएटली, फिर भी अगर आप हो सके तो, क्या पता अभी तो बोल रहे हैं कि MCQs का टेस्ट देंगे ये लोग बोल रहे हैं, है ना फर्स्ट टर्म में, ठीक है, फिर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत मैकेनिज्म लर्न होना चाहिए। तो कभी आप घर में अगर आप फ्री टाइम में हो तो इन तीनों स्टेप को एक बार लर्न करके लिख देना, ये आपको आपके जो मैंने नोट्स भेजे हैं उस नोट्स में भी होगा और ये आपको वहां पे भी मिलेगा, कहाँ पे, NCERT की बुक में भी मैकेनिज्म मिलेगा पूरा प्रॉपर। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। अगर आपको अगर बोला जाएगा कि प्रोपीन को प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करो 2-प्रोपेनॉल में और उसका मैकेनिज्म लिखो, तो सिमिलर तरीके से लिखना है आपको।
ये मैंने इथेन का बताया, आप प्रोपीन का भी मैकेनिज्म लिख सकते हो। डन है। अच्छा, बेसिकली ये तो एक मैकेनिज्म आता है। दूसरा, ये कहाँ पे यूज होता है? कन्वर्जन में। कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, लिखो प्रोपीन टू प्रोपेन टू ब्यूटीन टू प्रोब्यूटेन टू ऑल। क्या करोगे? कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा ब्यूटीन को ब्यूटेन टू ऑल में कन्वर्ट करो। तो क्या करोगे? यही करोगे ना, इजंट इट? आपको बोला जाएगा, हो गया मैम, हो गया ब्यूटीन को। यस मैम। किस तरीके से आपको मिलेगा? ब्यूटीन को ब्यूटीन को ब्यूटेन टू ऑल में कन्वर्ट करो। क्या करना है? सीधा कार्बोनिक फलन है तो हम ले लेंगे इस तरीके से, ब्यूटीन ले लेंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बीच में आ जाएगा, दिस इज अ डबल बॉन्ड हियर। साथ में हम H2O डालेंगे और एसिडिक मीडियम डाल देंगे, कोई साथ में सीधा कहाँ पे हो जाएगा, ये OH ग्रुप आके बीच में जुड़ जाएगा, ब्यूटेन टू ऑल बन जाएगा, डबल बॉन्ड को हटा देना। तो ये दो तरीके से यूज होता है, एक तो कन्वर्जन में यूज होता है, डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं, ध्यान रहे ये वाला मैकेनिज्म को, और साथ में मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन में भी आपको दे सकते। डन है। तो पहला वाला पढ़ लिया, फॉर्मल्डिहाइड एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन चलता है, दिस इज एसिड कैटलाइज। अब सेकंड क्या बताया था आपको मैंने, सेकंड पार्ट क्या था? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, अगर मैं यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूंगी तो ये कभी भी एंड में तो अल्कोहल आएगा नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा नहीं, हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा। आप प्रोपीन से भी बनाओगे तो 2 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, पेंटीन से बनाओगे 2 डिग्री अल्कोहल। तो हाइड्रोबोरे, इसके जो नेचुरल स्टेप है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, उसे हम यूज करते हैं मोस्टली 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं वो थोड़ा कर लेते हैं, टाइम एक बार देख लेते हैं कितना टाइम है। हाँ टाइम तो है अभी, बाकी मेरी अभी क्लास है एंट्रेंस की। अच्छा, आपके भी एंट्रेंस की क्लास है इसके बाद 7:30 बजे 11th एंट्रेंस की क्लास है, जिसमें अभी कंप्लीट कराऊंगी, इनका जो डाउट वगैरह है वो देखेंगे आज। अब चले ये रैप कर लूं और मैम एक बारी ब्रीफ दे दो मैम, एक और बारी मैकेनिज्म। हाँ बोलो, और फिर क्या बोल रहे हैं? ब्रीफ एक बारी मैम दोबारा समझा दो थोड़ा मैकेनिज्म मैम, सेकंड स्टेप से थोड़ा। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि जब एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रेशन चलता है तो सबसे पहला काम होता है कि वाटर जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है, यहाँ पे इसे दिखा दिया, और क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं इसको, और बनाने के साथ साथ अनस्टेबल भी हो जाता है। अब क्या होता है, ये जो एल्कीन था, ये जो एल्कीन था मेरे तो मेन ही है ना, ये रिएक्शन दिखाता है हाइड्रोनियम आयन के साथ यहाँ पे, और क्या बनाता है, एल्कीन से कार्बोकैटायन बन जाता है, इथाइल कार्बोकैटायन बन, ये इथीन था इससे इथाइल कार्बोकैटायन मेरा बन चुका है, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल फिर दोबारा रिलीज हो जाता है। अब क्या होता है कि बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है और इसके पास कार्बोकैटायन है, तो क्या होता है, इमीडिएटली फिर ये सपोर्ट देना स्टार्ट कर देता है। आपको मैंने कहा है कि ऑक्सीजन अपने पास पॉजिटिव चार्ज देखते ही सपोर्ट देता है, तो अगेन फिर उसने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। जैसे सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, ये कार्बोकैटायन इसके ऊपर था, ये दिख रहा है ना, इसके ऊपर कार्बोकैटायन है, तो ऑक्सीजन ने अपना सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, बिकॉज ये छोटा सा ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, तो इसको मैंने इसके ऊपर यहाँ पे CH2 के ऊपर मैंने वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे ऊपर दिखाया, चेक कर लो, ठीक है, CH2 के ऊपर मैंने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे दिखा दिया है। तो अब इसके पास फिर से, बिकॉज उसने सपोर्ट करा ना, इसके पास प्लस आ गया, और प्लस आते ही अनस्टेबल होता है, और जैसे ही ये पूरा ग्रुप मैंने यहाँ पे उठा के लिया है, देखो ये पूरे ग्रुप को मैंने यहाँ पे उठा के लिया है, ठीक है, अब बच्चे आने लग रहे हैं, जस्ट 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 जैसे वाटर मॉलिक्यूल को देखेगा अपना
हाइड्रोजन को फिर बैक यहाँ पे कर देगा और साथ में पूरा अल्कोहल बन के आ जाएगा यहाँ पे और H3O प्लस बाहर आ जाएगा। आज पहली बार आपको मैकेनिज्म पढ़ाया है मैंने, फर्स्ट मैकेनिज्म आई थिंक आपके लाइफ का ज्यादा कुछ करा नहीं है, वो करा था 11th क्लास में करा, बट वो भी तरीके का नहीं था, यहाँ पे प्रॉपर थोड़ा सा हम कर रहे हैं। तो आज एक बार आप घर में मैकेनिज्म को दोबारा देखो, नहीं समझ में आया तो फिर कमिंग क्लास फिर एक बार बता दूंगी ये वाला मैकेनिज्म, ठीक है अर्पित? ओके मैम। ओके तो आज मैं इतना ही कराती हूँ और कमिंग क्लास में आपको बताऊंगी कि हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीजन